नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टीम पर। दोस्तों, गाय को यह चीज खिलाने से लोग बन जाते हैं मालामाल। सबसे जल्दी लोग धनवान कैसे बन जाते हैं? आखिर वह कौन सी चीज है और उस चीज में आखिर क्या चमत्कार है जिसे गाय माता को खिलाने पर करोड़पति कभी न कभी बन ही जाते हैं? दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने भी ऐसा ही किया है और आप भी यह उपाय जरूर अपनाएं और जरूर देखें अपना भविष्य बदलते हुए। दोस्तों, शास्त्रों में गाय को परम पूज्य पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इसकी महिमा का बखान देखने को ही मिलता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय का महत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय माता के शरीर के अंदर करीब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास एक साथ ही होता है। यही वजह है कि गाय की पूजा हम सभी करते हैं, क्योंकि सिर्फ गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसा करने से सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कई चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाने से आप भी कभी न कभी अमीर जरूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह काम करने से पहले मन में गलत भावना ना हो, ना ही लालच को मन में पनपने दें। बस आप श्रद्धापूर्वक यह उपाय करते जाएं, आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियां गौ माता दूर कर देंगी। दोस्तों, यकीन मानिए, गाय को यह चीज खिलाने से आपको दुख और दरिद्रता से छुटकारा जरूर मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं वह उपाय जिससे जानने की इच्छा अब आपको हो रही होगी। दोस्तों, गाय को रोटी हम सभी खिलाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि गाय को रूखी सूखी रोटी खिलाने से कुछ नहीं मिलेगा। गाय को हमेशा पहली बनी रोटी ही खिलानी चाहिए और साथ में मिष्ठान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मिष्ठान के बगैर किसी देवी देवताओं को भोग नहीं लगता है। शास्त्रों में मिष्ठान का बड़ा ही महत्व है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वह उपाय। दोस्तों, यह उपाय करने का कोई भी दिन निर्धारित नहीं है। आप किसी भी दिन किसी भी समय घर की बनी पहली रोटियां, कम से कम 5 रोटियों को ले लें, फिर उसमें नाम मात्र के लिए देसी घी लगा लें, फिर उसके साथ 5 मोतीचूर के लड्डू ले लें, आधा चम्मच मिश्री और 5 लौंग ले लें। इन सभी चीज़ों को एक साथ एकत्रित कर लें, फिर इन सभी चीज़ों को एक साथ रोटी में लगाकर अपने माथे से चूमकर गाय माता को खिला दें। अगर हो सके तो अपने साथ एक गिलास जल रखें, उस जल से गौ माता को छींटे दें और उनके चरणों में बचा हुआ जल समर्पित करें। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय करते समय आप कुछ मांगे नहीं, बस मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ऐसा आप महीने में 4 से 5 बार करें, या अगर आपकी सुविधा के अनुसार आप चाहें तो यह उपाय हमेशा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके सभी बिगड़े काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आप बचे रहेंगे। बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही, साथ ही घर परिवार में खुशी का माहौल छाया रहेगा। दोस्तों, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। परंतु ध्यान रहे
कि यह उपाय करते समय मन में लालच ना हो। हमेशा मन में बस श्रद्धा का भाव ही होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, गाय माता को भोजन खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी सीधी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सुबह सुबह गाय के दर्शन करना भी अति उत्तम होता है। इसके साथ सपने में गाय का आना भी सुखी जीवन आने का प्रबल संकेत होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, तो इस उपाय को निरंतर करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।